खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन विभाग में खुलेआम वन संपदाओं का दोहन करने का खेल चल रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी दोहन करने वालों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बात सिर्फ वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, इस विभाग द्वारा लाखों करोड़ों का निर्माण कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। लाखों का डैम एक साल में ही भ्रष्टाचार की पोल खोल दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर कार्यवाही करने का नाम भी नहीं ले रहा है। और विभागीय अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही क्या करेंगे? विभाग तो काम शुरू करने से पहले ही कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा दिया जाता है। बताया जाता है कि इस विभाग द्वारा जिस किसी ठेकेदार को काम दिया जाता है उनसे पहले कमीशन ले लिया जाता है, उसके बाद काम ठेकेदार को दिया जाता है। ठेकेदार भी काम में भ्रष्टाचार करते हुए घटिया निर्माण कर दिया जाता है, जो एक साल में ही निर्माण कार्य की पोल खोल दे रहा है। वन मंडल धरमजयगढ़ में वन संपदाओं का खुलेआम तस्करी की जा रही है, लेकिन वन विभाग न जाने क्यों इन तस्करों पर लगाम नहीं लगा रही है। अगर हम बात करें जंगल से दिन दहाड़े जंगलों को काटकर लोग इमारती लकड़ियों का तस्करी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन तस्करों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कार्यवाही नहीं करने से ऐसा लगता है कि तस्कर और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है। तो धरमजयगढ़ वन मंडल में लकड़ी की तस्करी के साथ साथ कोयला तस्कर भी सालों साल से कोयला तस्करी कर रहे हैं और वन विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा है। इनको तो वन संपदाओं से कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो बस अपनी कमाई से मतलब है। वन मंडल के जितने भी रेंज सभी रेंज का यही हाल है। अगर सही तरीके से जंगल कटाई की जांच की जाए तो कई अधिकारी कर्मचारी पर जबरदस्त कार्यवाही हो सकती है, लेकिन बात यहीं आकर रुक जाती है कि जांच करेगा कौन? सभी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। धरमजयगढ़ से कुमारी उमा यादव की रिपोर्ट।